बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमेर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब के हवाले से जो भी कोई नई मालूम आती हैं वो मालूम मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊंगा कि एहसास प्रोग्राम की जानिब से पाकिस्तान बैतुल माल सोशल वेलफेयर में जो ज़बरदस्त किस्म की नौकरियों के अनाउंसमेंट की जा चुकी हैं उसकी तफसीली मालूमात क्या हैं और एहसास प्रोग्राम की नौकरी के लिए आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग बेरोज़गार हैं और एक अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं और गवर्नमेंट इदारे में नौकरी करना चाहते हैं और तालीम भी आप लोगों की कम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोग एहसास प्रोग्राम की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो का बकायदा आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस आप डेली देखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएँ और आप आसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और अप्लाई करने का तरीका जानते हैं कि पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम में जो भर्तियों की अनाउंसमेंट की जा चुकी है उस पर अप्लाई आप लोग कैसे करेंगे, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान बैतुल माल एहसास प्रोग्राम की जानिब से जो भर्तियां आ चुकी हैं उसके पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है। सिंपली दोस्तों आप लोग अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उस ब्राउज़र के सर्च बार में आएँगे और वहाँ पर आने के बाद आप लोग टाइप करेंगे हमारी वेबसाइट का नाम जॉब्स और उसके बाद आप लोग टाइप करेंगे ROZANA। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग टाइप करेंगे जॉब रोज़ाना और आप इसको सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो गूगल में सबसे ऊपर ही जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आएगा। आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है जॉब रोज़ाना और इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं लातादाद नौकरियाँ मौजूद हैं और अप्लाई करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मौजूद है जो हमेशा से आप लोगों की मदद करता है जॉब पर अप्लाई करने के लिए। या हमारे जॉब की इंफॉर्मेशन जो है जो दी जा रही हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मौजूद है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल जॉब 2022 डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग जॉब के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब के टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात हैं इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे और आप लोग अप्लाई कर सकेंगे सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जॉब के लिए। तो दोस्तों मुकम्मल मालूमात के लिए आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी जा रही हैं, आप इन डिटेल्स को फॉलो करेंगे, इन डिटेल्स को रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से जॉब के टाइटल हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्सरी टीचर्स की जॉब है, रिलीजियस टीचर्स की भी जॉब है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जॉब हैं, बेशुमार नौकरियाँ हैं और उसके लिए आप लोगों को आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आर्टिकल पढ़ने पर बैठ जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जॉब की अनाउंसमेंट डेट जो है वो 29 अप्रैल की, अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स हैं, पंजाब के किसी भी शहर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब हैं और ये फुल टाइम की जॉब हैं। तो दोस्तों अब आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए आप लोगों का जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे, उन तमाम चीज़ों को फोटो कापी करवाएंगे, दो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लेंगे, CV लेंगे, लेटेस्ट अपडेट, और उसके बाद आप लोगों ने CV के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अटैच करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को एनवेलप में बंद करना है और आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की तरफ आ जाना है। यहाँ से आप लोग उस सीट को देखेंगे जिस सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे और मौजूदा सीट का नाम आप लोग मेंशन करेंगे इनवेलप के ऊपर और इनवेलप को भेज देंगे जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस के ऊपर। लास्ट डेट से पहले पहले आप लोगों ने लाजमी सेंड कर देना है एप्लीकेशन को। अगर आप लोग एक वक्त में मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापी करवानी पड़ेगी, अलग अलग इनवेलप के ऊपर मौजूदा सीट का नाम लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों की अलग अलग जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। उम्र की हद वगैरह यहाँ पर मौजूद है, कहीं पर 18 से 25 है और किसी जॉब के लिए 21 से लेकर 30 है, किसी पर 20 से लेकर 30 है। और यहाँ पर कुछ शराइत ज़वाबित लिखी जा चुकी हैं जो कि उर्दू में ही है, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सवाब की नीयत से आप लोग वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि आपके दोस्त भी जॉब की वीडियो देखें, जॉब के लिए अप्लाई करें। बाकी आप लोग ईद इन्जॉय करें और ईद इन्जॉय करने के बाद जॉब के लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक और अच्छी जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।